दोस्तों अक्सर मैं देखता हूँ 90 डिग्री की जो पार्किंग होती है, उस पार्किंग में गाड़ी लगाते समय कितने ऐसे ड्राइवर भाई हैं जिनसे गाड़ियाँ लेफ्ट या राइट वाली गाड़ी में टच हो जाती है। क्या होता है कि जो नए होते हैं, बिगनर होते हैं, उनको मिरर के बारे में नॉलेज नहीं होता है। ये जो ORVM मिरर होता है बाहर लगा रहता है, इसमें जब नए ड्राइवर देखकर गाड़ी को पार्क करते हैं तो उनको मिरर का जजमेंट बराबर नहीं मिलता है, जिसके कारण उनकी गाड़ी साइड वाली गाड़ी में टच हो जाती है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको जजमेंट लेना है कि आपका गाड़ी किसी दूसरे गाड़ी में टच ना हो। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए जानते हैं कि ORVM मिरर में कैसे जजमेंट लगाकर गाड़ी को 90 डिग्री पार्किंग में पार्क किया जाता है। अब देखिए मैं अपने गाड़ी को इस पार्किंग में लगाने वाला हूँ। ये जो पार्किंग है 90 डिग्री का है, दोनों साइड गाड़ी खड़ी है। इस पार्किंग में अपनी गाड़ी को लगाऊंगा और आपको मिरर का जजमेंट बताऊंगा। सबसे पहले मैं अपने गाड़ी को एकदम आगे लेता हूँ। जब गाड़ी पीछे जाएगा तो मैं गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी कंट्रोल करूंगा, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ मिरर के बारे में बताने वाला हूँ। अब देखिए गाड़ी पीछे जा रहा है। तो मेरे गाड़ी के मिरर में देख सकते हो ये गाड़ी दिख रही है, तो आपको सीधा जाने देना है। अभी देखिए जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये जो ORVM है इसमें भी अच्छे से चेक करना है। देखिए दूसरी वाली गाड़ी खड़ी है जो राइट में खड़ी है और ये लेफ्ट वाली गाड़ी है, तो आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको थोड़ा सा आगे ले लेना है, आगे लेना है तो स्टीयरिंग को थोड़ा और राइट में घुमाना है। अब देखिए बराबर छोटी वाली गाड़ी दिख रही है जो लेफ्ट में है और राइट वाली भी दिख रही है, तो आपको स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा सा लेफ्ट में घुमाते हुए गाड़ी को पीछे जाने देना है। एकदम कट टू कट आपको ले जाना है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि गाड़ी में टच ना हो। जब एकदम कट टू कट होने लगे तो आपको लेफ्ट में ध्यान देना है और राइट के ORVM में भी ध्यान देना है। अब कंफर्म हो चुका है कि लेफ्ट में टच नहीं होगा तो आपको राइट में देखना है। देख सकते हो इस पोजीशन तक आपका गाड़ी टच नहीं होने वाला है। अब देखिए राइट में भी कंफर्म हो गया कि राइट वाली गाड़ी में टच नहीं होगा, लेफ्ट वाली में भी टच नहीं होगा, तो आपको अपने गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील सीधा कर लेना है और पीछे जाने देना है। तो देख सकते हो किसी भी गाड़ी में मेरा गाड़ी टच नहीं हुआ है। इस तरह से आपको अपनी गाड़ी 90 डिग्री पार्किंग में लगाना है। दोस्तों आपको ORVM में एकदम अच्छे से देखना है। अगर जरा सा भी आपको डाउट लग रहा है कि मेरा गाड़ी उस गाड़ी में टच हो रहा है तो आपको अपनी गाड़ी रोक देना है, कंफर्म करने के बाद ही पीछे ले जाना है, जैसे मैं कंफर्म करके पीछे लेके आया हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। जय हिंद।